एक बार फिर से मेरे न्यू यूट्यूब चैनल 2.0 में आप सभी शिक्षक साथियों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एसएस मद से माह सितंबर का कब तक राशि प्राप्त होगा सभी जिला को। तो वीडियो को चालू करने से पहले मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन अवश्य दबा दे, नोटिफिकेशन ऑन कर दे ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले आपको। आपको बता दे कि आज 14 तारीख है, कल 15 और 16 यानी शनिवार और रविवार को सचिवालय में कार्य नहीं रहता है, बंद रहता है। इस तरह आपको और एक सप्ताह समय बच गया है दीपावली का। दीपावली से पूर्व अगर शिक्षकों को वेतन नहीं मिलेगा तो वह अपना पर्व कैसे मनाएंगे, तो बहुत ही यह सोचनीय बात है। दशहरा से पूर्व ही संचिका तैयार हो चुका था 1 माह सितंबर के लिए 11 अरब 33 करोड़ रुपये की राशि के लिए। तो इस तरह 20 दिन हो चुका है लेकिन अभी तक राशि रिलीज नहीं हुआ है। अब आपको बता दें कि 30 तारीख को उप सचिव अरशद फिरोज जी सेवानिवृत्त हो गए और उसके बाद विनीता जी आई हुई है जो कि आपको इनको योगदान करके जल्द से जल्द संचिका तैयार है इसको भेजवा देना चाहिए। अब बताइए सचिवालय आपको 20 दिन समय लेगा तो कैसे काम चलेगा। अगर अक्टूबर माह भी पूर्ण होने को है और उसके बाद ये भी बताया गया है कि सितंबर का राशि रिलीज हो जाने के बाद आपको एरियर का राशि भेजा जाएगा, तो इस तरह अब अक्टूबर का भी क्लियर होने जा रहा है। आज 14 तारीख हो गया, अक्टूबर माह भी पूर्ण हो जाएगा। तो मेरी बात हुई है प्रदेश अध्यक्ष पिंटू कुमार जी से, मंगलवार के बाद ही वह पटना जाएंगे। तब तक जितने भी सभी संघीय पदाधिकारी के शीर्ष नेता हैं सभी मिलकर इसका निदान कराने का प्रयास करें ताकि आपको दीपावली से पूर्व राशि रिलीज हो सके और शिक्षकों का समय पर वेतन भुगतान हो सके। तो वीडियो में इतना ही, वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को एक लाइक अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें वेतन अपडेट और आवंटन से संबंधित सूचना सबसे पहले पाने के लिए।